नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2.4 में है, पहला प्रश्न लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर एक में है, पहला लिखा है, इसको बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स के घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें एक्स प्लस 1 इसका एक बहुपद गुणनखंड है या नहीं इसको पता करना है। तो क्या करेंगे, इस एक्स प्लस 1 बराबर को 0 कर लेंगे, इससे हमको एक्स का एक मान प्राप्त हो जाएगा। इसको प्लस 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 प्राप्त हो गया। इस x बराबर माइनस 1 को हम दिए गए बहुपद पर रखेंगे, यदि इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम कह देंगे कि x प्लस 1 इस दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो देखते हैं x का मान, अब माइनस 1 रखते हैं इस बहुपद में, तो माइनस 1 यहाँ माइनस 1 के घात 3, फिर ये माइनस 1 के घात 2, फिर यहाँ माइनस 1 रखेंगे और ये प्लस 1, ठीक ना। पहले बहुपद में x का मान रख लिया सब जो हैं। अब देखिए x, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए माइनस 1 को अगर 3 बार करें तो क्या प्राप्त होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस 1 के घात 3 बराबर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, है ना। अब अगर एक को कितनी बार भी गुणा करेंगे वो हमको एक प्राप्त होता है, तो ये 1 लिख लिया। अब देखिए ये दो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस एक माइनस बच गया तो एक माइनस यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार माइनस 1 के घात 3 का माइनस 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर 2 है तो देखिए 2 ये वाले हैं, तो 2 माइनस कैंसिल जाएगा, 1 बचेगा केवल, तो ये 1 लिख लिया। फिर ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है। देखिए एक में एक गया 0, एक में एक गया 0। देखिए एक्स बराबर माइनस 1 पर दिए गए बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, अतः शून्यक है, या कह सकते हैं एक्स प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना, एक गुणनखंड है ऐसे। इसी प्रकार अब दूसरा भाग चेक करते हैं। तो दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में है, यक्ष के घात 4, यक्ष के घात 3, यक्ष के घात 2, एक्स प्लस 1, ठीक ना। तो इसको हम पी एक्स ले लेते हैं और इसमें यक्ष प्लस 1 है ना, यक्ष प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब यक्ष बराबर माइनस 1 रखना है इसमें, ठीक ना। तो x बराबर माइनस 1 रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ हम माइनस 1 रखेंगे। माइनस 1 बराबर माइनस 1 के घात 4, ठीक ना, फिर माइनस 1 के घात 3, माइनस 1 के घात 2, माइनस 1 और प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए माइनस 1 के 4 घात है, ठीक ना। तो अगर माइनस 1 का अगर सम संख्या घात हो, जैसे 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसका उत्तर प्लस 1 आता है। जैसे करके देख लेते हैं एक बार, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 चार बार लिख लिया। अब एक को जितनी बार भी चाहे उतनी बार गुणा करें, इसका उत्तर 1 आता है। बस इस माइनस वाले की बात करें तो ये 2 माइनस कैंसिल, 2 माइनस कैंसिल, तो ये प्लस में आ गया, मतलब ये 1 आ गया, ठीक ना। मतलब अगर सम संख्या लगी हो तो माइनस 1 का आंसर 1 आता है।
ठीक, फिर माइनस वन के घात माइनस तीन लगा है, विषम संख्या लिखा है, ठीक ना। तो देखिए मैं माइनस तीन बार लिख के देखते हैं इसको, ये रखा है, तो इस बार क्या, ये तो वन ही आएगा, बस माइनस दो कैंसिल, एक बच गया, ठीक ना। तो एक माइनस वन आ गया, इसका मतलब अगर विषम संख्या लिखी हो तो इसका उत्तर माइनस वन आता है, ठीक ना। फिर ये सम संख्या लिखी है, इसका उत्तर प्लस वन आएगा, और ये माइनस वन है, माइनस वन लिख लिया, और ये प्लस वन है तो प्लस वन लिख लिया। अब देखिए एक में एक गया जीरो, एक में एक गया जीरो, अब देखिए यहाँ एक बच गया, ठीक ना, जीरो नहीं आया, तो लिखेंगे अतः यक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, है ना, गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका भी चेक हो गया। अब तीसरा भाग देख लेते हैं, तो तीसरा भाग देखते हैं, यहाँ पर तीसरे भाग में लिखा है वन टू थ्री पी एक्स बराबर यक्स के घात चार थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक ना। तो यहाँ पर भी माइनस वन रखेंगे, यक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो यक्स का मान माइनस वन, ठीक ना। ये पूरे पहले प्रश्न के लिए ही x प्लस वन दिया हुआ है कि गुणनखंड इन चारों भाग, चार इस प्रश्न के चार भाग दिए हुए हैं, इन चारों का ही चेक करना है कि क्या x प्लस वन एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम इसमें x बराबर माइनस वन रखते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस वन रखने पर, तो माइनस वन रखिए p माइनस वन बराबर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस वन के घात चार तीन, माइनस वन के घात तीन तीन, माइनस वन के घात दो, ठीक ना। जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है हम वहाँ वहाँ माइनस वन रख दे रहे हैं, यहाँ है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस वन प्लस वन। देखिए अब यहाँ पे भी बात आ गया, सम संख्या लगी है, ठीक ना, माइनस वन के घात सम संख्या है, तो इसका आंसर वन आता है। विषम संख्या लिखी है तो माइनस वन आ जाएगा, सम संख्या लिखी है तो वन आ जाएगा, और ये माइनस वन और ये प्लस वन लिखा है। अगली बार ब्रैकेट खोल लेंगे। अब देखिए ये वन तीन एक कम तीन माइनस में, क्योंकि एक माइनस में है, और ये तीन एक कम तीन, फिर माइनस वन ये प्लस वन, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या आया, ये तीन में तीन कट गया जीरो हो गया, एक में एक कट गया जीरो हो गया, यहाँ वन बच गया। देखिए यहाँ जीरो नहीं आया, तो लिखेंगे अतः एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार तीसरा भाग हो गया। अब चौथा भाग बचा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चौथा भाग देखते हैं, अब ये रहा चौथा भाग, ठीक ना। तो इसमें लिखा है, तो इसको पी एक्स मान लेते हैं, लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू और यक्स प्लस रूट टू, इसमें माइनस वन रख लेते हैं, माइनस वन बराबर ये हो गया माइनस वन के घात तीन माइनस वन के घात दो माइनस टू प्लस रूट टू, यहाँ माइनस वन रख लेते हैं प्लस रूट टू। देखिए विषम संख्या है घात में, तो यहाँ माइनस वन बचेगा, और ये सम संख्या है तो इसका प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया, ये माइनस ये लिखा हुआ था उसका लिखा है, तो माइनस वन का स्क्वायर वन आ गया। अब देखिए ये दो माइनस है ना, गुणे में ही है, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा,
ठीक ना, एक है यहाँ लिखिए वहाँ लिखिए, तो दो माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, प्लस रूट टू। अब इसको हल करते हैं तो देखिए माइनस एक माइनस एक माइनस दो हो गया, है ना, माइनस 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 अंक जुड़ गया, ये हो गया तो टू प्लस रूट टू है और एक रूट टू ये लिखा हुआ है। देखिए दो में दो गया, ये तो कट गया, यहाँ केवल रूट टू है ना, करनी तो दो बार बचा है, तो एक ये रहा एक ये रहा, तो एक एक दो हो जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं दो करनी दो, ठीक ना। अब देखिए जीरो नहीं आया तो लिखेंगे अतः यक्स प्लस वन, पी एक्स लिख सकते हैं या दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो यही इसी तरह मान रख के इसको चेक करना था, यदि जीरो आया था तो लिखते गुणनखंड है, और जीरो नहीं आ रहा है उसके बदले कोई वैल्यू आ रही है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर एक हो गया। प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक ना। लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का एक गुणनखंड है या नहीं, इसका भी मान रखना है। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर दो, दो का पहला लिखा है px बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, ये px दिया हुआ है और ये रहा gx, gx का मान क्या दिया है x प्लस वन, ठीक ना। तो बोलते हैं कि इसको क्या ये वाला चीज़ इसका एक गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड प्रमेय से करना है, मतलब केवल x का मान वहाँ से ज्ञात करके इसमें रखना है। तो देखिए gx कितना दिया, यहाँ लिख लेते हैं, लिया है x प्लस वन, इसको जीरो से तुलना करेंगे जिससे हमको एक x की मान ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर ये प्लस वन है, पक्षांतर होगा तो माइनस वन हो गया, तो x का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस x का मान को इस px के में इस बहुपद में रखेंगे, यदि शून्य आ जाए तो गुणनखंड है, ना आ जाए तो बोलेंगे नहीं है। तो रखेंगे p माइनस वन बराबर दो माइनस वन के घात तीन माइनस वन के घात दो, यहाँ माइनस वन है ना, x के स्थान पर माइनस वन और ये माइनस वन लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं। देखिए बोले विषम संख्या लिखिए, माइनस वन के घात विषम संख्या है तो ये माइनस वन प्राप्त होता है, ये सम संख्या है तो वन प्राप्त होगा, दो एक कम दो और दो माइनस होने के कारण ये प्लस में हो गया। देखिए दो एक कम दो और एक माइनस होने के कारण ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक ना। दो प्लस में होता, अगर यहाँ भी माइनस लगा रहता तो दो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया होता, ये हो गया प्लस वन प्लस टू और ये माइनस वन। देखिए दो में दो गया, जीरो हो गया, एक में एक गया, ये जीरो हो गया। देखिए इसका मान जब यक्स बराबर माइनस वन रखा तो शून्य आ गया, अतः लिखेंगे अतः प्रत्येक स्थिति में बताइए कि पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो इसी प्रकार सेकंड को भी चेक करेंगे, तो सेकंड लिख लेते हैं, यहां पर लिखा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना दिया है एक्स प्लस टू, तो इसमें यहाँ एक्स प्लस टू रखेंगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो इससे हमको एक्स का मान माइनस टू प्राप्त हो गया। अब इस माइनस टू का मान पी एक्स में रख देंगे, तो इसमें देखिए रखेंगे यहाँ जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ माइनस टू रख देंगे,
तो यहाँ माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन। तो देखिए माइनस टू को अगर तीन बार गुणा करें, देखिए रखा है माइनस टू को तीन बार लिख रहे हैं, तो देखिए दो माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया और दो को तीन बार मतलब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इस प्रकार माइनस एट यहाँ लिखेंगे प्लस। यदि दो माइनस दो को दो बार करेंगे मतलब यहाँ तक करना है केवल, तो दो दूनी चार और एक दो माइनस कैंसिल तो केवल चार प्राप्त होगा। ये तीन दूनी छः और एक माइनस होने के कारण माइनस सिक्स लिख लिया प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एट और चार तियाई बारह माइनस छः प्लस वन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले उनको जोड़ लीजिए, बारह और एक तेरह, तो तेरह लिख लीजिए या तो माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए माइनस आठ माइनस छः दोनों माइनस में लिखा है, तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, तो आठ छः चौदह। तो देखिए जो माइनस वाला था जोड़ के माइनस में लिख लिया, और बारह और एक तेरह प्लस वाला प्लस के संग लिख लिया। अब एक माइनस एक प्लस लिखा हो तो क्या करेंगे, चौदह में तेरह है ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, तो एक लिख लिया। अब देखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या में किसका है, तो प्लस मतलब चौदह में माइनस है तो ये माइनस में आ गया, तो देखिए यहाँ जीरो नहीं आया, तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया दूसरा भाग हो गया, अब तीसरा भाग देखते हैं, तीसरा भाग देखते हैं। अब तीसरा भाग पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, तो लिखते हैं इसका, इसको बराबर जीरो तुलना करेंगे जिससे हमको यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, तो यक्स माइनस थ्री बराबर शून्य, तो ये हो गया यक्स बराबर तीन हो गया, माइनस को पक्षांतर किया तो प्लस थ्री हो गया। इस यक्स का मान तीन इस पी एक्स इस बहुपद में रखेंगे, तो थ्री बराबर यहाँ थ्री रखा माइनस चार, यहाँ थ्री रखा और यहाँ थ्री रखा और प्लस सिक्स, तो तीन को तीन बार गुणा करना है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, तीन गुणे तीन गुणे तीन, तीन त्रिकाई नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, ठीक ना। तो ये सत्ताईस प्राप्त हो गया, तो ये हो गया सत्ताईस माइनस चार गुणे तीन का वर्ग, तीन त्रिकाई नौ और छः तीन नौ, नौ चौक छत्तीस प्लस नौ, तो इसमें प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, तो 27 और 9 36 और ये माइनस 36 लिखा हुआ है, तो 36 में 36 गया शून्य हो गया, तो देखिए शून्य आ गया, तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणन खंड है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो के सभी भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक ना। इन मतलब प्रश्न नंबर तीन के चार भाग दिए हैं, इन चारों भाग के लिए ही दिया हुआ है कि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हमको पी के का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए चूंकि यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड हो
है कह सकते हैं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान पहले जीरो तुलना कर लें, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो इससे हमको एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया, वन हो गया। मतलब एक्स का मान जब हम वन इसमें रखेंगे, पी एक्स में रखेंगे, तो इसका मान शून्य हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि गुणनखंड है, गुणनखंड में जो भी एक्स का मान आता है उसको अगर रखेंगे तो पूरी तरह शून्य हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए पी वन बराबर ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो एक्स का मान वन रख लिया, अब देखिए इसी में रख के यहाँ पर बराबर जीरो तुलना कर लेंगे तो हमको के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम वन रख लेते हैं, देखिए वन का स्क्वायर प्लस ये रहा वन प्लस के बराबर जीरो हो गया, ठीक ना। तो यहाँ एक का वर्ग एक लिख लिया, एक प्लस के बराबर शून्य, तो एक एक दो प्लस के बराबर शून्य, तो के का मान माइनस दो हो गया, ठीक ना। तो के का मान माइनस दो प्राप्त हुआ। इसी तरह एक सेकंड दूसरा भाग भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे भाग में लिखा है पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो इसको भी जैसे ऊपर हमने लिखा वैसे यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः देखिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का मान एक हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन है तो लिखेंगे पी वन बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक ना। माइनस वन है तो प्लस वन है ना, पक्षांतर करेंगे, एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर एक आया, या तो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, हर भाग अलग अलग है, तो लिखेंगे एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स का मान कितना आया, वन, तो लिखेंगे पी वन बराबर ये जीरो हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो हमको जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा यहाँ पर हम वन रख लेंगे, तो रखते हैं यहाँ रखा टू वन का स्क्वायर प्लस के गुणे एक प्लस करनी दो बराबर जीरो। तो देखिए एक का वर्ग तो एक ही आएगा, तो यहाँ एक आएगा और एक गुणा दो में करेंगे तो ये दो हो जाएगा, के एक कम के प्लस करनी दो बराबर जीरो, कि इधर छोड़कर बाकी जो है अचर पद उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस टू माइनस करनी दो। देखिए ये पक्षांतर हुआ माइनस में, ये पक्षांतर हुआ माइनस में आया, देखिए दोनों माइनस में, तो हम इतना कर सकते हैं, इसे माइनस कॉमन ले सकते हैं टू प्लस रूट टू, तो के का मान हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार तीसरा भाग भी देख लेते हैं यहीं पर। तीसरा भाग, तो तीसरा भाग, तीसरे का तीसरा भाग क्या है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस करनी दो एक्स प्लस वन, ठीक ना। तो इसको भी यही लिखेंगे, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो इसलिए x माइनस वन बराबर जीरो या x बराबर वन मान आया, इस पर p का मान वन रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो अब यहाँ वन रख लेते हैं, k वन का स्क्वायर माइनस करनी दो गुणे वन प्लस वन बराबर जीरो, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, एक आया और करनी दो एक कम करनी दो आया प्लस वन बराबर जीरो, तो के गुणा एक में करेंगे तो एक के ही आएगा, इसलिए इसको के हटा दे रहे हैं वन को। अब देखिए के का मान ये आया, इसको देखिए इसको आपस में हल नहीं होता है, ये करनी में लिखा है वो करनी में नहीं लिखा है, इसलिए इसको हल नहीं करते हैं, बस इसको पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस करनी दो है प्लस करनी दो हो गया, प्लस वन है माइनस वन हो गया, पक्षांतर कर दिया, इस प्रकार के का मान एक ज्ञात हो गया। एक अंतिम भाग बचा है उसको भी कर लेते हैं। तो के है लिखा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
प्लस के, ठीक ना। तो इसको भी लिखते हैं, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर एक, एक्स का मान एक रख लेंगे तो लिखेंगे पी वन बराबर ये जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ पर के वन के घात दो माइनस तीन गुणे एक प्लस के बराबर जीरो। देखिए वन का स्क्वायर वन और के का गुणा एक में करेंगे तो के ही प्राप्त हो जाएगा, तीन एक कम तीन प्लस के बराबर जीरो। देखिए के और के टू के माइनस थ्री बराबर जीरो, टू के बराबर तीन, तो के बराबर कितना आया, तीन बटे दो आया। इस प्रकार इस भाग में भी के का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हो गया। अब प्रश्न नंबर चार देखेंगे। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। चार में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर चार का पहला भाग लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसको हल करते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे करा जाता है। सबसे पहले इस एक में 12 गुणा करिए, ठीक ना। तो 12 एक कम 12, ये 12 आया। अब हम इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनको जोड़ने और घटाने पर हमको माइनस 7 प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए इसका हम गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं, एक गुणे 12 कर सकते हैं, दो गुणे 6 कर सकते हैं, तीन गुणे 4 कर सकते हैं, ठीक ना। तो इतने प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। मगर इसमें देखिए अगर मैं इनको ले लेता हूँ, एक और 12, है ना, जो गुणनखंड प्राप्त हुआ हमको एक गुणे 12 किया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के भी देखूँ 12 और एक 13, 7 चाहिए था हमको, घटा के देख लेते हैं, एक घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हमको ये तो प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमको ये गुणनखंड इस प्रकार का तो नहीं करना था। फिर हमको दो गुणे 6 को चेक कर लेते हैं, दो गुणे 6 में 2 और 6 प्राप्त हुआ था हमको, यदि हम इसको जोड़ें तो 8 प्राप्त हो रहा है, हमको 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, ये बीच वाला पद हमको प्राप्त होना चाहिए था। 6 में अगर 2 घटा के भी देखते हैं तो हमको 4 ही प्राप्त हो रहा था, तो हमको 7 प्राप्त चाहिए। इस प्रकार हमको ऐसा गुणनखंड भी नहीं चाहिए था। अब देखिए तीसरा गुणनखंड जो लिखा है 3 × 4 लिखा है, यदि मैं 3 और 4 को जोड़ूँ तो ये 7 तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अंक तो प्राप्त हो गया, मगर हमको इसमें माइनस में चाहिए था, ठीक ना। -7 प्राप्त करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम कर सकते हैं -3 - 4 बराबर -7, ठीक ना। माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, तो हम इस -7 के स्थान पर -3 और -4 लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार लिखेंगे 12x² -4x - 3x + 1। तो ये तो ब्रेक हो गया, ठीक ना। मध्य पद को ब्रेक करके गुणनखंड करने का तरीका है, ठीक ना। इसी को गुणनखंड तरीका कहते हैं, गुणनखंड करा जाता है इस तरह। अब देखिए हमको हमारे पास 4 पद प्राप्त हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। हमको शुरू के 2 पद से और अंतिम के 2 पद से उभयनिष्ठ निकालना होता है, क्या क्या उभयनिष्ठ है, ठीक ना। तो देखिए एक बार हम इसको बिल्कुल तोड़ के लिख के बता देते हैं किस प्रकार गुणनखंड लिया जाता है। देखिए अगर मैं 12 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 × 4 = 12, ठीक ना। और यक्ष के घात 2 लिखा है तो इसको हम यक्ष गुणे यक्ष लिख सकते हैं, है ना। यक्ष के घात 2 लिखा है तो 2 बार लिख लिया, 12 को मैं 2 × 4 = 4, 4 = 12 एकदम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ कर लिख लिया। फिर इस 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, और यक्ष बचा है तो उसको यक्ष लिख सकते हैं। अब देखिए 3x लिखा है तो लिख सकते हैं हम इसको 3 × x, यहाँ -1 लिख लिया, ये वाला +1, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ x है यहाँ भी x है, ठीक ना। मतलब हमको ये 2, 2, 2, 2, है ना, मतलब 4 हमको दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। तो इन दोनों के स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं, ठीक ना।
और ये यक्स है, तो इनके स्थान पर एक बार हम यक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। इन दोनों से दो दूनी चार बाहर निकल गया, ये यक्स दोनों में था, तो एक बार इनके स्थान पर एक बार यक्स लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या बचा, इसमें बचा 3x माइनस, यहाँ पे देखिए सभी बाहर चले गए, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का वन हमेशा एक गुणनखंड तो होता ही है, ठीक ना। तो देखिए आपको ये एग्जाम में तो ये लाइन करना नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया था, और इसको अगर इस तरह प्रैक्टिस करे रहेंगे तो देखिए दिख भी रहा है, ये हो गया चार या ही बारह, ये चार एक कम चार था, ठीक ना। तो चार चार हमने बाहर ले लिया, और तीन, और इसमें यक्स भी कॉमन था, यहाँ दो बार है यहाँ एक बार है, तो एक बार हमने यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पे दो का एक बाहर चला गया है, तो यहाँ एक यक्स बच गया, माइनस चार बाहर चला गया तो वन बच गया, है ना, चार यक्स पूरे बाहर चला गया था, इस प्रकार इस यहाँ कॉमन बचा। अब देखिए इन दोनों पद में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, यहाँ थ्री है यहाँ वन है, तो कोई भी उभयनिष्ठ न हो तो हमेशा वन ले लिया जाता है। देखिए शुरू में यहाँ माइनस था तो माइनस वन ले लिया, ठीक ना, तो यहाँ क्या बचा, ये पूरे बच गया, ये कहिए तो ये 3x पूरा बच गया, ठीक ना। अब देखिए माइनस ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा हो, है ना, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा हो तो जो भी चिन्ह यहाँ होता है ना, ये भी देखिए प्लस में, तो प्लस है तो ये माइनस वन हो जाता है, ठीक ना, माइनस लगा लिया तो चिन्ह बदल जाता है अंदर का, ठीक ना। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया ना, तो इसका मतलब अभी तक जो किया है वो सही किया है। अब लिखते हैं 3x माइनस वन एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में इन दोनों को जो किनारे किनारे बच गया था लिखते हैं 4x माइनस वन, इस प्रकार इसका गुणनखंड ये प्राप्त हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लिखा है इसमें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक ना। तो अब इसका देखिए क्या करिए, पहले हमने बताया था इसका बोला इसमें करने के लिए बोला, तो तीन दूनी यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर हमको 7 प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो अगर हम इसको देखिए 1 × 6 करें और 2 × 3 कर सकते हैं, तो 3 × 2 = 5 आ रहा है, इससे तो अपना काम नहीं बनेगा, 7 चाहिए अपने को, तो ये तो अपना होगा ही नहीं, है ना, यही होगा 1 और 6 प्राप्त हुआ, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 तो प्राप्त हो ही जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 + 6 = 7। आप प्लस में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ जोड़ने घटाने कोई चक्कर ही नहीं इसमें, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2x² + 6x + x + 3, है ना, 6x में 1x जुड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, ये 1 होता है, ठीक ना, जो ये 1 लिखा है 1x + 6x, तो 1x के 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मान के चलते हैं यहाँ पे गुणांक 1 होता ही है। अब इन दोनों में शुरू के दो पद में देखिए, तो ये लिखा है 2 × 2 और ये है 2 × 3 = 6, तो इन दोनों में 2 तो उभयनिष्ठ है ही, तो यहाँ 2 लिख लिया, ठीक ना, जो दोनों पद में हो वही एक बार लिखा जाता है, यहाँ यक्स 2 बार है, यहाँ 1x 1 बार है, इसका मतलब यक्स 1 बार तो दोनों में ही है, ठीक ना, दोनों से एक एक बार यक्स तो निकल ही जाएगा बाहर। अब अपने को यहाँ क्या बचा, केवल यहाँ 1x बचा है, क्योंकि 2 बाहर चला गया, यक्स 2 था तो 1 बाहर चला गया, केवल यक्स बच गया, तो यक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर यक्स तो बाहर चला गया है, ये बाक्स ये चला गया, 2 भी चला गया, केवल ये 3 भर बच गया था, तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। देखिए 3 × 6x, 3 × 6x का गुणा करिएगा तो ये वापस प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 ले लेते हैं, ठीक ना। अब चूंकि ब्रैकेट के पहले प्लस ही प्लस है सब है, तो अंदर का चिन्ह भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ लिखेंगे x + 3, ठीक ना, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह प्लस का माइनस नहीं होगा, केवल ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तभी चिन्ह अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, x + 3 x + 3, तो x + 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ बचा उनको अगले कोष्टक में लिख लेते हैं x + 2x + 1, ठीक ना। अब चाहे आप इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, ठीक ना, आंसर सेम है। तो इस प्रकार दूसरा भाग भी हो गया, एक तीसरा भाग यहीं पर देखते हैं।
तीसरे भाग में लिखा है 6x² + 5x - 6। तो इसको करेंगे, देखिए 6 × 36 कर लिया, ठीक ना, 36 प्राप्त हो गया। 36 को ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला पद 5 प्राप्त हो जाए। तो इसको अगर हम करें 9 × 36 करें, ठीक ना, तो 9 में अगर 4 को घटा दें, जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जा रहा है, हमको केवल 5 चाहिए, तो घटा के देख लीजिए, इसको 9 में 4 गया तो ये 5 आ गया, तो ये हो गया। इसके स्थान पर हम लिखेंगे 9x - 4x। तो लिखते हैं 6x² + 9x - 4x - 6, ठीक ना। देखिए 9 में 4 गया तो ये 5 आ गया। इस प्रकार हमको 4 पद प्राप्त हो गए। शुरू के 2 पद में उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। इसमें क्या उभयनिष्ठ है, देखिए ये लिख सकते हैं 2 3 6 3 3 9, है ना। इसका तोड़ के लिखा तो देखिए इसमें 3 और 3 हमको तो मिल गया दोनों तरफ। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और यहाँ भी देखिए 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो 1 बार x तो दोनों में से बाहर निकाला जा सकता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x। तो देखिए 3 और x बाहर चला गया तो 2 और 1 x बच गया, है ना, 3 चला गया तो 2 बचा, और यहाँ पर x 2 था तो 1 बाहर चला गया तो 1 x बच गया, और यहाँ पर 3 x बाहर चला गया, देखिए 3 x बाहर चला गया तो केवल 3 बचा, ठीक ना। तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, है ना, तो 3 बाहर 3 और x चला गया तो 3 ही बचा केवल, तो यहाँ 3 लिख लिया। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 × 4 2 × 6, तो इसमें देखिए 2 2 मिल गया कॉमन, ये 2 2, ठीक है, तो बाहर ये -2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, है ना, तो 2x बचा, माइनस बाहर चला गया है, देखिए माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस ले लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 2 चला ही गया है, ये 3 बच गया, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, इसको एक बार लिख लेते हैं, 2x + 3 एक कोष्टक में, और जो किनारे किनारे इनको अगले कोष्टक में, 3x - 2, तो इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। चौथा भाग देखते हैं, एक अंतिम भाग और बचा है, इसी को देख लेते हैं, अंतिम है ये। लिखेंगे 3x² - x - 4, तो देखिए क्या करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या हो गया, 3 × 12, है ना, यह 1 चाहिए, ये 1 होता है, -1 चाहिए। तो देखिए अगर हम 3 में से 4 घटा दें तो -1 प्राप्त हो जाएगा, है ना, छोटी से बड़ा घटा दिया -1 प्राप्त हो गया। यदि मैं 4 से 3 घटाया होता तो +1 प्राप्त होता, +1 नहीं चाहिए था हमको, -1 चाहिए था, इसलिए 3 में से 4 घटाया। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x² - +3x - 4x - 4x, और ये -4 लिखा हुआ है, है ना। शुरू का और अंत का वही लिखा जाता है, बीच के पद को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया जाता है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 2 3 3 कॉमन है, है ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं 3 और 1 x बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, केवल 1 x बच गया, प्लस 3 x पूरे चला गया बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ 4 4 कॉमन है तो -4 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x और बाहर माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, और 4 बाहर ही चला गया तो ये 1 बच गया केवल, है ना। तो ये हो जाएगा, जब कुछ नहीं बचता ना तो उसका हमेशा एक 1 बचता है, तो x + 1 लिख सकते हैं, x + 1, और ये जो बचा इनको लिख लेते हैं 3x - 4। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 के सभी भाग का गुणनखंड हो गया।